हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉर्मल नॉलेज नामक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत की है कि उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल टीचर ने पहले तो अपने स्टूडेंट को खुद की नग्न तस्वीरें भेजी, फिर उसे बहला फुसलाकर अपनी कार में ले गई और उसके साथ संबंध बनाए। फिलहाल टीचर पर केस चला और कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। अमेरिका के मिसौरी में अधिकारियों ने बताया कि 42 साल की टीचर का नाम अमांडा सेट्चर है। उसने एक नहीं बल्कि 3 स्टूडेंट्स के साथ एक ही तरकीब अपनाई। पहले उन्हें अपनी नग्न तस्वीरें भेजती, फिर उनके साथ संबंध बनाती। द जोपलिन ग्लोब की रिपोर्ट के मुताबिक टीचर को स्टूडेंट के साथ संबंध बनाने का दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने महिला टीचर को 20 साल के लिए जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि अमांडा मिडिल स्कूल में एक टीचर के रूप में काम कर रही थी। स्टूडेंट के माता पिता ने मार्च 2017 में स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क किया। उन्होंने टीचर के इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो देखा, जिसके बाद उन्हें कुछ शक हुआ। मामला पुलिस के पास पहुंचा और जांच शुरू हो गई। 2 लड़कों की मां ने जांच अधिकारियों को बताया कि उनके बेटे ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने टीचर के साथ संबंध बनाया है। जांच अधिकारियों ने पीड़िता छात्रों से पूछताछ की और उनके मोबाइल में मैसेज देखे। मैसेज में कुछ अश्लील बातें लिखी थी। इसके अलावा टीचर की नग्न तस्वीरें भी मिली। पूछताछ के दौरान स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने एक नदी के किनारे उसकी कार में संबंध बनाया था। वह शराब पी रही थी और उसे भी दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। एक अन्य गवाह ने कोर्ट को बताया कि उसने दोनों को साथ में देखा था। पहले तो लगा कि दोनों माँ बेटे हैं, लेकिन जब बाद में मामले का खुलासा हुआ तो उन्हें पूरी कहानी समझ आ गई। फिलहाल दोषी टीचर जेल में है।